इमरान खान पर शिकंजा कसने की जितनी कोशिश शहबाज सरकार कर रही है उतने ही उग्र होकर इमरान खान सरकार पर पलटवार कर रहे हैं। 143 केस दर्ज होने के बाद इमरान खान ने शहबाज सरकार के खिलाफ रेफरेंडम का ऐलान कर दिया है, साथ ही सरकार पर उनकी हत्या करवाने की साजिश रचने के भी आरोप लगाए। इमरान खान ने एक वीडियो जारी कर ये कहा है कि पुलिस ने उसकी हत्या की प्लानिंग की है। इमरान खान की ओर से दावा किया जा रहा है कि पुलिस उन्हें अगले एक या दो दिन में बेनजीर भुट्टो के भाई मुर्तजा भुट्टो की तरह मारना चाहती है। प्लान ये था कि मुर्तजा भुट्टो टाइप कत्ल करना था इन्होंने, आपस में नूरा कुश्ती करनी थी, वो जी तसादम में वो मारा गया। इमरान खान ने न सिर्फ अपनी ही हत्या का प्लान होने का दावा किया बल्कि शहबाज सरकार की पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए। इमरान ने दावा किया कि आईजी पंजाब आईजी इस्लामाबाद ने दो स्क्वाड बनाई हैं। इमरान ने दावा किया कि पुलिस के लोग उनके समर्थकों के बीच आकर पुलिस पर फायरिंग करेंगे जिसके बाद हंगामा होगा। मैं ये सबको आज बताना चाहता हूँ, मैं पंजाब पुलिस को बताना चाहता हूँ कि आपके 5 लोग ये कत्ल करेंगे सिर्फ और सिर्फ भाना मार के यहाँ अटैक करने का। इमरान खान इस समय लाहौर स्थित अपने जमा पार्क आवास में हैं, वह बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी जुटे हुए हैं। इसके अलावा उनके घर के सामने पुलिस भी तैनात है। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बरकी की मौत हो गई। पाकिस्तान के मुताबिक ब्रिगेडियर बरकी वजीरिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभियान में शामिल थे। क्योंकि अफगानिस्तान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का ये इलाका आतंकी संगठन TTP का गढ़ है, इसीलिए पाकिस्तान ने वजीरिस्तान में आतंकी संगठन TTP के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इसी दौरान दक्षिण वजीरिस्तान के एक इलाके में TTP के आतंकियों के साथ पाकिस्तान के सुरक्षा बल के जवानों की मुठभेड़ हो गयी, जिसकी अगुवाई ISI के ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बरकी कर रहे थे। इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई, तभी आतंकियों ने मुस्तफा कमाल बरकी की गाड़ी पर हमला कर दिया जिसमें उनकी मौत हो गई। मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 7 जवान भी घायल हुए जबकि 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं, मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं। 9 दिनों के नवरात्रि में भक्त हर दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं और मां का आशीर्वाद लेने के लिए सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाती है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर कश्मीर का माहौल बिगाड़ने के लिए नई साजिश रची। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस साजिश को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रचा गया, जहां आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कई टॉप कमांडर और ISI के बड़े अधिकारी एक बैठक में शामिल हुए। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में हिजबुल मुजाहिदीन के वजूद को मजबूत करने पर चर्चा हुई। साथ ही ये फैसला भी लिया गया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जितने भी घर हैं, हर घर से एक शख्स हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल किया जाएगा ताकि वहां के जवानों को जबरन भर्ती करके कश्मीर का माहौल बिगाड़ने के लिए भेजा जा सके। इसके अलावा ये खबर भी सामने आई कि हिजबुल मुजाहिदीन को फिर से खड़ा करने के लिए ISI ने उसे पूरी मदद का भरोसा दिया है। हालांकि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी POK में जिहाद के नाम पर लोगों से जबरन वसूली का काम भी शुरू कर चुके हैं और वहां के कई गांवों के लोगों को डरा धमका कर उनसे पैसे वसूलने का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। इस साजिश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का पूरा समर्थन हिजबुल मुजाहिदीन के साथ है, जिसने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को ये फरमान भी जारी किया कि वो LOC के करीब के गांवों में किसी अनजान शख्स से रिश्ता ना बनाएं और बहुत सावधानी से काम करें। असल में पिछले कई साल से चल रहे भारतीय सेना के अभियानों ने कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन को लगभग खत्म कर दिया है। ऐसे में उसका प्लान ये है कि वो POK के हर घर से एक शख्स को मुजाहिद बना सके, यानी जिहाद के नाम पर अपने संगठन में भर्ती कर सके। ऐसा करके वो धीरे धीरे लोगों का समर्थन जुटाकर खुद को दोबारा खड़ा करना चाहता है और इस काम में पाकिस्तान पूरी तरह उस आतंकी संगठन के साथ है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि हिजबुल मुजाहिदीन के जबरन लोगों को भर्ती करने के फरमान से उसके खिलाफ POK में गुस्सा भड़क चुका है।